मेरे दोस्तों, मैं अभिषेक प्रधान मैकेनिकल प्रधान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो जो मेरे दोस्तों उस टॉपिक पे लेके आया हूँ जो हमारे भाई लोग परेशान इस समय रहते हैं कि हम पास आउट, बीटेक पास आउट होने के बाद मैं आखिर में क्या करूँगा। फ्रेशर्स हूँ, 15,000 की जॉब मिल रही है, 10,000 की जॉब मिल रही है, 20,000 की जॉब मिल रही है, वो अपनी सैलरी से भी सेटिस्फाई नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ या प्राइवेट जॉब करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी कंफ्यूजन सा लगा हुआ है मेरे दोस्तों को। और घर वालों का, जब हम जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो घर वालों का मुंह देखना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि मैं आखिर में इसको क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ मेरे दोस्तों। तो इसको जानने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा अगर मेरे दोस्तों, तो मैं अभिषेक प्रधान मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फास्टनर लाइन में। अप्रोक्स आई हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो वही प्रॉब्लम हम भी फेस किए। हमें भी नहीं समझ में आ रहा था आखिर में करें तो करें क्या। सारे लोग परेशान, घर वाले तो सारे परेशान थे, सारों लोगों को डर बना हुआ था कि आखिर में लड़का करेगा क्या। और रही बात जो है जिम्मेदारियों का, तो मैं शुरू से ही आइडियल बन के आया हूँ। शुरू से ही आइडियल का मेरा वो सिस्टम रहा है। तो मैं अपनी इज्जत को, अपने आइडेंटिफिकेशन को बचाने के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। तो यही बेस्ट सोल्यूशन है मेरे दोस्तों, यही बेस्ट सोल्यूशन है। आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, अगर बीटेक आप किया या डिप्लोमा किया, आपको क्या है, ड्रॉप आउट ना करो। आप लगातार कोई ना कोई जॉब करो। क्या होता है, स्टार्टिंग के जो हैं 1 ईयर 2 ईयर जो है बहुत स्ट्रगल वाले होते हैं, जो आप फेस करोगे और मैंने भी फेस किया है मेरे दोस्तों। जब फेस किया है तब मेरे को समझ में आया कि आखिर में मेरे को भी लगता था कि यार क्या 15-20 हज़ार की जॉब में क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पैसा एक्सपेंड कर दिया मैंने बीटेक पढ़ाई करने में। लेकिन फाइनली जब 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद आपको नॉलेज हो जाती है, तब डेफिनेटली आप अपने आप को प्राउड फील करोगे कि हाँ आखिर में मैंने बीटेक किया तो अच्छा किया। तो मेरे दोस्तों, और रिलेशन वाले क्या कह रहे हैं आप, इस पर ध्यान एकदम न लो। अगर एकदम न दोगे, ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, क्योंकि रिलेशन वालों का क्या है, आप जब तक सक्सेस नहीं होगे तब तक सब कोई ही आपको एज ए मतलब एक हल्के मिलेगा। आपको अगर कुछ करके दिखाना है तो लगातार लगे रहना होगा मेरे दोस्तों। आपको मैं डेफिनेटली करूँ तो अगर 2 या 3 साल एक्सपीरियंस आपको अगर इंडस्ट्री का हो गया, तो हम डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको बेस्ट, मतलब आपको अगर 20,000 क्या, आपको हम कह रहा हूँ कि 2 साल से एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो अप्रॉक्स आप 30+ का वो लोगे, सैलरी लोगे। तो मैं आप दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आपको क्या करना होगा, आपका यही एक राइट बात है कि आप बीटेक टेक्निकल कोई भी डिग्री ले रहे हो, आप क्या करना है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी अगर पैसे देंगे तो किस एवज में देंगे, आपको तो नॉलेज तो रहेगी नहीं आपको, थोड़ा सा भी तो आपको सिखाने का तो पैसा देगा नहीं इंडस्ट्री। तो आपको क्या होगा कि छोटे या बड़े कोई भी, एक बार पहले डिसाइड कर लो कि कौन सी इंडस्ट्री में मैं पैर रखूँ, उसी सेक्टर में आपको क्या है एक्सपीरियंस लगातार गेन करनी होगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच, लगे रहिए।